सरकार लाल आंख दिखाने के बदले 300 आयात बढ़ा दिए हैं। जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी। अध्यक्ष जी, आप अपनी जगह पे बैठे, हाउस को चलने दे, जीरो ओवर। बहुत सब जाति, सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होगा। क्या उन भड़काऊ चैनल्स और उन भड़काऊ एंकर्स के खिलाफ सरकार कोई योजना लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? हम ऐसी शिकायतों पर अवश्य देखेंगे क्या कार्रवाई की जा सकती है। उसके बच्चे मुसलमान है, उसका हस्बैंड मुसलमान है। मुसलमान ने पढ़ना नहीं चाहिए। हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे भी बच्चे IAS IPS UPSC पास करे। आकाश नापने वालों, तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। तो ये हैं आज के हाइलाइट्स, और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा शो संसद में। आज चीन के साथ सीमा पर झड़प, लेकिन व्यापार में नरमी क्यों? हंगामा बरपा तो राज्यसभा क्यों नहीं चल पाई? कॉलेजियम पर मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में क्या बोल दिया? अहिर रेजिमेंट से क्यों कांपेगा चीन? और भड़काऊ न्यूज चैनल्स और एंकर्स के खिलाफ क्या है सरकार का एक्शन प्लान? इन्हीं सब सवालों का जवाब खोजेंगे आज के शो में। सबसे पहले बात राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट की। संसद सत्र शुरू होने से पहले खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? इस ट्वीट से एक बात तो तय थी कि विपक्ष आज फिर से चीन का मुद्दा उठाएगा और हंगामा होगा। हुआ भी ऐसा ही। तो चलिए चलते हैं सदन के अंदर, मगर आज थोड़ा क्रम चेंज करते हैं। पहले बात राज्यसभा की। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और कार्यवाही आगे बढ़ती, उससे पहले ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे। सदन में विपक्षी सांसद नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उपसभापति का कहना था कि इस नियम के तहत उपसभापति का कंसेंट होना जरूरी है। शून्यकाल में जोरदार हंगामे के चलते सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। आप जानते हैं जो चीजें लिस्टेड है, बहस उन पर ही हो सकती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है अपनी अपनी जगह बैठे। ये जीरो और महत्वपूर्ण विषय है, इनको इनमें सबको मौका मिला, आप चलने दीजिए। तो अजेर श्री विप्लव कुमार देव, प्लीज राज्यसभा की कार्यसूची में हर जिले लिस्टे भारी बहस हो सकती है। प्लीज प्लीज 15 मिनट के लिए सदन स्थगित। 15 मिनट के लिए सदन स्थगित। 15 मिनट बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन 15 मिनट तक भी नहीं चली और फिर इसे अगले 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। ग्यारह बजकर 50 मिनट पर राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो लगभग सारे सदस्य अपनी जगह पर खड़े थे। विपक्ष अपने मुद्दों पर चर्चा चाहता था, जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि जो विषय लिस्टेड हैं उन पर बोलने दिया जाए। थोड़ी देर बाद विपक्षी सांसद अपनी बेंच से उठकर वेल तक जा पहुंचे और आसन पर मौजूद पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता ने तीसरी बार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इस तरह से राज्यसभा का शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। Why you are in oil? What you sit? Whatever you are.
adjourned till noon. शून्यकाल खत्म हुआ तो शुरू हुआ प्रश्नकाल। इस दौरान कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने पेंडिंग मामलों को आधार बनाकर कॉलेजियम का मुद्दा उठाया। जवाब में विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर कॉलेजियम सिस्टम पर अपनी बात रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद थे। मैं सीधा सीधा राजीव जी ने सवाल किया उसको अपने बात को जोड़ के ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से पूरी ताकत पूरी योजना के तहत हम पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो कदम जितने उठाए हैं उसको मैं बहुत लंबा उसका जवाब हो जाएगा तो उसको मैं अभी जिक्र नहीं करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाईकोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति सब धर्म महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सदन का जो भावना है देश की जनताओं का भावना है उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कोर्ट के बारे में टिप्पणी में इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्योर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था। 93 के बाद वो चेंज हो गया तो मैं राजीव जी को इतना बताना चाहता हूँ कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को ख़त्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और मैं मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन बात सही है कि देश के भावना या इस सदन का भावना जो रखा गया था उसका मुताबिक आज हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी है। सर सबको पता है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है लेकिन प्रधानमंत्री जी सब जाति सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लोगों को जो लिखा है उसमें हमने ये आग्रह किया कि जब आप नाम भेजेंगे ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्ग के लोग हैं क्योंकि आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब एक ही जज हुए हैं जस्टिस सेमा जो नागालैंड से आते हैं। आज तक एक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग एकमात्र रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और आज हमारे पास 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कितने जाति से कैसे लेना चाहिए मैं इसका नहीं कर रहा हूँ। माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं इसको जवाब दे रहा हूँ। तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हमने आग्रह किया है कि कोशिश करे कॉलेजियम कि सब जाति को किसी न किसी रूप से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आगे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सदन में भड़काऊ चैनल और एंकर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। कैसे इस देश के अंदर न्यूज अब नॉइज में तब्दील होती जा रही है। मेरा सवाल बड़ा सरल है सर। इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। मेरा सवाल बड़ा सरल है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या उन भड़काऊ चैनल्स और उन भड़काऊ एंकर्स के खिलाफ सरकार कोई योजना लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कर रही है तो क्या कर रही है वो सदन को बताया जाए। सर मुझे लगता है इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर जो नियम भी कहते हैं 3
चरण पर इसकी हमने प्रक्रिया है। पहली, अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत है तो जो चैनल इस तरह का प्रोग्राम करता उसी के स्तर पर उसका निवारण होगा, उसके बाद जो एसोसिएशन है उसके स्तर पे होगा, अगर नहीं होता है तब इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास आएगा। और अभी तक आपकी कोई भी ऐसी शिकायत, आपकी मीन्स आप वैसे जनता के बीच में से ऐसी कोई शिकायत ऐसी अभी नहीं आई है जहां पर ऐसे भड़काऊ या कोई ऐसा आपको लगता हो। अगर आपके पास ऐसी किसी चैनल के प्रति कोई शिकायत है तो मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद हमें निश्चित तौर पर लिख कर दें और नियम के अनुसार जो जो कार्रवाई होगी, थ्री टीयर सिस्टम है उसमें पहले चरण पर ही उसका निवारण हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर तीसरे पर भी आती तो डिपार्टमेंट वहां पर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। हम ऐसी शिकायतों पर अवश्य देखेंगे क्या कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसकी सर थ्री टीयर सिस्टम है जिसमें चैनल के स्तर पर सबसे पहले निपटा जाता है। धन्यवाद। इसके बाद राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सरकार को घेरने से नहीं चुके। पराली की समस्या का जिक्र बार बार होता है माननीय, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे, हर साल 1 महीने तक टीवी चैनल्स पे सदन के अंदर बाहर हर जगह एक ही चर्चा होती है, किसानों की पराली के कारण प्रदूषण खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। सच्चाई ये नहीं माननीय, एक रिपोर्ट आई कि मात्र 6% पराली जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, मात्र 6%, 94% अलग सोर्स और कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खत्म कर रहा हूं 94% अलग सोर्स से होता है, लेकिन किसानों को दंडित करना इसका समाधान नहीं है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक पत्र लिखा मंत्री जी को कि अगर प्रति एकड़ 2,500 रुपए सहायता राशि हम किसानों को देने की योजना बनाए, 500 रुपए पंजाब, 500 रुपए दिल्ली और 1,500 रुपए केंद्र सरकार अगर सहायता दे तो शायद वो अपनी पराली जलाए नहीं, उसका एक समाधान निकल सकता है। पराली जलाने की समस्या जो हर साल हमको झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, उसका भी समाधान हम लोग पा सकते हैं। अंत में मानवर इन्हीं लाइनों के साथ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हमको सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गंगा नमामि गंगे मिशन पर जिस प्रकार से लखनऊ के इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है मान्यवर, वो बहुत चिंताजनक है। और उन्होंने कहा है कि नमामि गंगे योजना में खर्च की जाने वाली रकम आंख में झोंकने का कार्य है, इसके ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि भारत कैसे वर्षों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए हुए है और मोदी सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। सुनिए। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े कवि हुए अंग्रेजी के, जिन्होंने एक फ्रेज यूज किया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। उसका मीनिंग क्या था? कहा गया बच्चा प्रकृति के अधिक नजदीक होता है और वही हमारा फोर फादर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम अपने अंदर के चाइल्ड को देखें तो हमारे पूर्वजों ने यानी फोर फादर्स ने क्या कहा था वह हमें समझ में आना शुरू होता है। और हमारी सभ्यता तो वो है मान्यवर जहां पर की प्रार्थना भी क्या की जाती है, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रौषधया शांति, रापह शांति, वनस्पति, औषधि, फूल, पत्ती, अंतरिक्ष, सभी का कल्याण हो। परंतु अफसोस की बात यह है कि जब हम इस प्रकार के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उस टकराहट के कारण वह समस्या हो रही है। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने कहा कि लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट के अनुरूप होनी चाहिए, आज यदि यह सीख कहीं से आ सकती है तो भारत से ही आ सकती है, भारत की परंपरा से आ सकती है। और आज हम दुनिया में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गए हों पर क्या हमने धरती और धरती की वेदना को देखा? तो यह मैं पंक्ति कहना चाहूंगा, आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा, जो दोहन की प्यास से दुखी रक्त प्रकृति की करुण कथा, ओ अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, वसुध मतलब वसुधा का पुत्र यानी मनुष्य, ओ अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, पैरों के नीचे सिसक रही रसवती धर। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर यह परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी आर द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड विच कैन गिव एन आंसर
टू लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ द इकोलॉजिकल क्लाइमेट एंड द कल्चरल क्लाइमेट ऑल्सो बिकॉज दिस इज एम्बेडेड इन अवर कल्चर. और हमारी गवर्नमेंट ने आने के बाद उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का कार्य किया है. तो यहाँ राज्यसभा का खेला खत्म हुआ, अब बढ़ते हैं लोकसभा की कार्यवाही की तरफ, जहां सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ. प्रश्नकाल में सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी सांसद रोडमल नागर को जन्मदिन की बधाई दी और फिर सांसद महोदय ने फ्लाईओवर फुटपाथ पर सोने वाले बेघरों का मुद्दा उठाया. इस पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आंकड़ों के साथ जो तथ्य पेश किए उन्हें सुनिए. सर, हम डे एन यू एल एम हमारी जो योजना है उसके तहत हम फैसिलिटीज देते हैं और हमने इसके द्वारा जो SUH गाइडलाइंस है उसके हमने फाइनेंस किए हैं 1788 शेल्टर्स जो फंक्शनल है. स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से 2457 शेल्टर्स उन्होंने भी सैंक्शन किए हैं. टोटल हाउस होमलेस शेल्टर्स की कैपेसिटी 125,000 है पर ऑक्यूपेंसी सिर्फ 50% है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए मंत्री महोदय को राज्य सरकारों से बात करने की सलाह दी. आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, सोच कर बताइए कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए कितने रुपए लगते होंगे. जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि संसद में तो इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए बता दी गई, वो भी खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताई. सुनिए. अभी हम एक हाईवे बना रहे केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है? 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर. केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा. फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन, मैं नहीं दे सकता. फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का GST उतना एग्जम्प्ट करो और सरकारी लैंड दे दो, ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा. कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीज पर किलोमीटर. आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है, अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए कर मिलकर आएगा तो कहां से बना पाएंगे? और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा. मैं आपकी भावना से सहमत हूँ और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशंस. आई एम ओपन फॉर दैट एंड आफ्टर दैट बाय टेकिंग सजेशन फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स वी विल फाइनलाइज द थिंग एंड वी विल कम टू द पार्लियामेंट एंड वी विल टेल यू. प्रश्नकाल आगे बढ़ा तो बात जेब खर्च पर जा पहुंची. केरल के वटकरा से सांसद मुरलीधरन ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया. इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जो जवाब दिया उस पर विपक्षी सांसद संतुष्ट नहीं दिखे और हंगामा शुरू हो गया. एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला एंड झारखंड डिड नॉट कट देयर टैक्सेस. सर, द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला एंड झारखंड डिड नॉट कट दैट टैक्स. सर, ये 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने काम नहीं किया और उनके माननीय सदस्य जो इन स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, इन्होंने अपना वैट कम नहीं किया. अरे आपको रिक्वेस्ट करूंगा माननीय सदस्य, अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि ये भी अपना वैट कम कर दें, वैट कम कर दें और फिर आपके स्टेट में ही वो दाम कम हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपको यू कैन देन ज्वाइन द मेन स्ट्रीम. हरदीप सिंह पुरी के जवाब के बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया. दोपहर 12 बजे लोकसभा का शून्यकाल शुरू हुआ. इस दौरान बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार में जहरीली शराब को उसका मुद्दा उठाया और नाराजगी जाहिर की. सुनिए. बिहार में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं. बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित
जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है और इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी है जो मीडिया के सामने है। इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्या होती है। पुलिस कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि कृपया कर एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो शराब बेचने वाले हैं वह सैकड़ों करोड़ के मालिक होंगे, जो शराब के साथ जो ये पुलिस प्रायोजित है, पुलिस 10,000 करोड़ कमा चुकी है, इन सभी पर और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अब बारी आई कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की। अधीर रंजन चीन का मुद्दा उठाते हुए गुस्से से एकदम लाल दिख रहे थे। देखिए सर, मैं एक छोटा सा मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार से ये मांग भी करूंगा, ये सरकार इस विषय पे एक श्वेत पत्र भी सदन में पेश करे। सर, आज की इंडियन एक्सप्रेस अगर देखे तो शुरू में लिखे जाते हैं कि एम्स में जो साइबर अटैक हुई थी वो अटैक चीन से हुआ था। सर, इस पेपर में ये भी लिखा गया कि जब हमारे सीमा में झड़प होते हैं, चीन जब हमलावर होते हैं हमारे ऊपर, तब आज की हिंदुस्तान की सरकार लाल आंख दिखाने के बदले 3 से 4 आयात बढ़ा दिए हैं, चीन से आयात बढ़ा दिए हैं। सर, तो ये सर ये देखते हुए हमें लगता है कि ये सरकार की मंशा क्या है। सर सर देखिए सर, अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड होते हैं सर, उसमें हमारे गिरावट आते हैं, लेकिन चीनी के साथ हमारा जो ट्रेड होते हैं वो चीनी फायदेमंद होते हैं। सर, तो जब चीनी सरकार हम पे हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तबाह करने का कोशिश कर रहे हैं, तो चीन की सर चीन की मदद करने की क्या जरूरत है? सुशील कुमार सरकार से पूछना चाहते हैं। नहीं, हमारे प्रधान कुमार सिंह जी। इसके बाद सदन में उठी एक मांग, सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने को लेकर उठाई बीजेपी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने। दिनेश लाल निरहुआ का कहना था कि अहीर रेजिमेंट का गठन होते ही चीन की रूह कांप जाएगी। सुनिए। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। क्योंकि अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं, जिस दिन ये अहीर रेजिमेंट का गठन होगा चाइना की रूह कांप जाएगी। अध्यक्ष जी, ठीक है, उसका कारण एक सेकेंड में बता देता हूं। अध्यक्ष जी, 62 के युद्ध में रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3,000 चीनी सैनिकों को मारा। निरहुआ के बयान के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अनुसूचित जाति और जनजाति में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। मैं कास्ट को इंक्लूड नहीं करना चाहता, अनटचेबल है सर। जब उसकी शादी होने लगेगी तो पूछा जाएगा कि उसके बाप दादा कहां थे और पता चलेगा कि वहां वो शेड्यूल कास्ट था। तो मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि मतलब इतना होने के बावजूद भी तो भी मन में कहीं ना कहीं फीलिंग होगी कि ऐसा कैसे हो गया, हम उसके साथ शादी करें कि नहीं। वो जो उसके साथ लगा हुआ है वो लगा रहेगा सर। दूसरा जो कहा उन्होंने
उन्होंने कहा कि द कमिटी ऑल्सो कंसिडर्ड, मुंडा साहब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्वेश्चन एज टू वेदर मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब शुड कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज ए शेड्यूल ट्राइब आफ्टर कन्वर्सन टू अनदर रिलीजन। ये मैंने कह रहा सर, ये कांग्रेस के ही लोग, मैक्सिमम जेपीसी तो उन्हीं की थी, उन्हीं का शासन था, उन्हीं के चेयरमैन थे, ये यूनेनिमस डिसीजन है सर, और कमिटी का जो फाइनल जजमेंट है वो मैं कोट कर रहा हूं, शेड्यूल ट्राइब शुड कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज ए शेड्यूल ट्राइब आफ्टर कन्वर्सन टू अनदर रिलीजन अदर देन ए ट्राइबल रिलीजन। द कमिटी आर ऑफ द ओपिनियन दैट नो पर्सन हु हैज गिवन अप द ट्राइबल फेथ और फेथ एंड हैज एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी और इस्लाम शुड बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, अमेंडमेंट टू शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स हैव बीन मेड अकॉर्डिंगली। ये 1969 की ये रिपोर्ट है, आज भी हम 341 342 चिल्लाते रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए हमने ये कह रखा है कि यदि आप जैन बौद्ध और सिख जो इंडियन धर्म है उसको छोड़कर यदि आप क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट होंगे तो आपको हम शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं देंगे। शेड्यूल ट्राइब में हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के एक नेचर के आधार पर हमने दिया हुआ है, जैसे ही वो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम कबूल कर लेते, और मैं उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूं। साहबगंज मेरा बगल का जिला है सर, उसकी महिला जो है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, वहां की जिला परिषद की चेयरमैन है, उसके बच्चे मुसलमान है, उसका हस्बैंड मुसलमान है, तो उसका सारा जो फेथ है वो फेथ बदल गया, उसके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है उसके आधार पर। और जब ये कहा गया, और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो दो नोट ऑफ डिसेंट आए उसमें एक सुंदर सिंह भंडारी जी का भी है, हमारी सरकार थी, मैं सुंदर सिंह भंडारी जी को मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, एक तो उन्होंने लिखा कि आसाम के चाय बागान के जो लोग हैं इतने दिनों से वो परेशान है, और जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसके आधार पर उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए। दूसरा उन्होंने लिखा कि जनजाति का जो व्यक्ति इस्लाम अथवा ईसाई मत को स्वीकार करेगा उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य न माना जाए, प्रवर समिति द्वारा यह निर्णय ले लिए जाने के उपरांत भी सूचियों में कुछ ऐसी जनजातियों वो उपजातियों के नाम रह गए हैं जिनके सभी सदस्य इस्लाम अथवा ईसाई मतावलंबी हैं, उन नामों को सूची से हटा देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त की सरकार ने उस वक्त ये नहीं माना। इसी बीच सदन में मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया। इस मुद्दे को उठाते हुए AIMIM सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने तमाम कमेटियों के नाम गिना डाले। इनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है, अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इनके जैसा दोगलापन नहीं करते हैं। अगर हम सबके विकास के बारे में बात करते हैं तो यकीनन हम सबको इंसाफ देने की बात करते हैं। हम दोहरा रंग नहीं है कि सत्ता में जब रहते हैं तो अलग और सत्ता में और सत्ता के बाहर जब आते हैं तो अलग। मैं भी ये मांग करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को मिलना चाहिए, मराठा समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, जो फैसले हम नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आती है, कहीं ना कहीं कुछ विवाद होता है तो हम अदालतों में जाते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना ये अदालत ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, और किस आधार के ऊपर कहा, ऐसा नहीं है कि ये रिजर्वेशन इम्तियाज जलील मांग रहा है, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है इस देश के अंदर, मेरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए और किस आधार के ऊपर मिलना चाहिए? चार चार कमिटीज, चार चार कमीशन बनाए गए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन, सच्चर कमीशन, कुंडू कमिटी, ये सरकार द्वारा अपॉइंटेड कमिटीज थे। किस लिए बनाए गए थे? कि मुसलमानों का सोशियो एजुकेशन कैस लेवल के ऊपर है, किस लेवल के ऊपर है उसको स्टडी करे और उसकी रिपोर्ट दे। महमूदुर रहमान कमीशन ने पूरा डिटेल के अंदर गया कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज कितना है। सच्चर कमीशन ने बताया कि सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा है तो वो मुसलमान है एजुकेशन के बारे में। तो ऐसे हालात के अंदर अदालत ने, जब ये मामला अदालत के अंदर गया तो अदालत ने खुद ने ये कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, कि मुसलमानों को 5% कम से कम एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दीजिएगा। मंत्री जी आप क्यों हमको
तालीम से दूर रखना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि मुसलमान ने पढ़ना नहीं चाहिए। हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे भी बच्चे आईएएस आईपीएस यूपीएससी पास करें। चर्चा के बाद संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया। तो ये थी आज की संसद की कार्यवाही, आगे जो होता है वो भी आपको हम ऐसे ही बताते रहेंगे संसद में आज के अगले एपिसोड में। बाकी ये शो लिखा हमारे साथी अंशुल ने। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। शुक्रिया।